हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का डी चैप्टर जिसका नाम आप देख पा रहे हैं बेटा कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज़ ए वर्ड कम्स फ्रॉम कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर मतलब इस चैप्टर में हमें बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है फिर बात करें बेटा कैपेसिटी तो समझ में तब आएगी ना जब हमें ये पता हो कि वाट इज कैपेसिटर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि वाट इज कैपेसिटर सिंपल वर्ड से मैं यदि मैं बताऊं बेटा कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नीयर टू ईच अदर दो कंडक्टर लिए जाते हैं जिनको बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस इज़ कोल्ड कैपैसीटर कैपैसीटर बेटा तीन टाइप के कैपैसीटर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले पैरालल प्लेट कैपैसीटर दूसरा सफेरिकल कैपैसीटर और तीसरा बेटा सिलेंड्रिकल कैपैसीटर इन तीनों कैपैसीटर की हम कैपैसिटी भी फाइंड करना सीखेंगे मेन वैसे हमारा पैरल प्लेट कैपेसिटर ही रहेगा इस चैप्टर का टॉपिक अब बात करते हैं बेटा कैपेसिटेंस बेटा हमने कोई भी एक प्लेट लिया उस प्लेट के ऊपर बेटा हमें चार्ज स्टोर करना है इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करने के लिए इस प्लेट को बेटा हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया यह बैटरी का लो पोटेंशियल है यह बैटरी का हाई पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल से जब हमने प्लेट को कनेक्ट किया बेटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर जो चार्ज क्यों स्टोर हुआ है वो चार्ज क्यू इस प्लेट को दिए जाने वाले पोटेंशियल वी के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कॉन्स्टेंट सी लगाया सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी एंड दिस सी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या वी कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दस कैपेसिटेंस सी ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर ऑन अपलाइंग ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस यदि बेटा यूनिट का मतलब वन यदि वी की वैल्यू हम वन ले लें तो सी तो किसके बराबर हो जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा ऐसा ही मैंने डेफिनेशन में बोला है वेहर कैपेसिटेंस सी डिपेंड्स ऑन बेटा इस सी किस किस पे डिपेंड करता है तो ऐसा मत समझना कि आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगा या ज्यादा चार्ज आप दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा नहीं बेटा कैपेसिटी या कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का एक तो कैपेसिटर की डायमेंशन पे डिपेंड करता है मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ऐसा मत समझना कि आप ज्यादा चार्ज दोगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी फार्मूले में दिख रहा है अभी क्यों बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा नहीं बेटा मान लो आपने एक बाल्टी परचेज कर ली बेटा दस लीटर पानी की कैपेसिटी है तो ऐसा थोड़े पानी ज्यादा डालते जाओगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी दस लीटर की तो दस लीटर की ही रहेगी अब बेटा एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है बेटा फेराड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से लेकिन बेटा वन फेराड बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि वन कैपेसिटर बहुत बड़ा होता है इसलिए जर्नली बेटा माइक्रो नैनो माइक्रोफेराड और पिको पिकोफेराड में ही कैपेसिटी को मेजर करते हैं माइक्रो माइक्रोमींस रेज पावर माइनस सिक्स नैनोमींस रेज पावर माइनस नाइन एंड पिकोमीन्स टेनर रेज पावर माइनस ट्वेल्व फेराड तो ये था बेटा हमारा कि कैपेसिटर क्या होता है कैपेसिटेंस क्या होता है उनकी यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक